प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखेंगे जो 50 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें और अधिक क्या स्वीकार करना पड़ा, उसके बाद जो संविधान आया उसमें क्या चेंज हुआ। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मोर देन 60 ईयर्स एगो। यानी संविधान सभा द्वारा 50 साल पहले से भी अधिक निर्मित संविधान को हमें क्यों स्वीकार करना पड़ा। इसका आंसर है, हेडिंग वाइज आप आंसर लिखेंगे इसमें। तो फर्स्ट हेडिंग है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ए गैलेक्सी ऑफ इंडियंस, विधानसभा भारतीयों की आकाश गंगा। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, सो इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। दिस एंश्योर्ड ए फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट विद लीडर्स डिफरेंट ओपिनियंस। इन सोशल टर्म्स टू, द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेज, रिलीजियंस एंड ऑक्यूपेशंस। इसमें अगर देखते हैं हम, विधानसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। उस समय सार्वभौम व्यस्त मताधिकार नहीं था, इसलिए इसका निर्वाचन मुख्यतः उस समय के प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों द्वारा किया गया। इसने देश के सभी क्षेत्रों में सदस्यों के लिए न्यायपूर्ण भौगोलिक हिस्से को सुनिश्चित किया। सभा में प्रमुखता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। सामाजिक संदर्भों में सभा में विभिन्न भाषाओं, दलों, जातीय वर्गों, धर्मों तथा व्यवसायों के प्रतिनिधि शामिल थे। सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आलेख का प्रारूप अर्थात संविधान की सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों अर्थात विधानसभा द्वारा तैयार किया गया। थर्ड पॉइंट है इसमें, वर्किंग पैटर्न ऑफ द असेंबली, सभा की कार्य प्रणाली। इसमें फर्स्ट पॉइंट, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमैटिक ओपन एंड कंसुअल मैनर्स। विधानसभा ने योजनाबद्ध, उदारता तथा सर्वसम्मति से काम किया। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। पहले कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर निर्णय हुआ तथा उन्हें स्वीकार किया गया। थर्ड पॉइंट, देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप विचार विमर्श के लिए तैयार किया। फोर्थ पॉइंट, सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रू डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाई क्लॉज। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर अनेक बार विचार विमर्श हुआ। ये आपके पॉइंट हैं, इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद याद करें।